हाय एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे ईपीएफओ ने जो भी नोटिफिकेशन दी है, काइंड ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि आपको कल इसका सिलेबस और भी जितने डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें कल ही आउट होंगी। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन अभी सर्कुलेट हो रही है बहुत जगह, तो मैंने पहले तो इसको फैक्ट चेक किया तो ये चीज़ सही थी। ये आया था 24 नवंबर को लास्ट ईयर, ठीक है। इसमें उन्होंने बात की है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे जो कि अपीयर हुए हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट में। इसका ये मतलब नहीं है कि इतने ही लोगों ने अप्लाई किया होगा, जैसे 230,820 ये आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर किया है, राइट। फॉर्म हो सकता है कि अराउंड 3 लाख लोगों ने फिल किया होगा, पॉसिबल है। तो अगर इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाए 3 या 3.5, तो आप उसे घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2.3 है ना, 2.3 लाख ही अपीयर हुए थे। ये नंबर अगर बढ़ता भी है तो 2.5-2.6 के आसपास रह सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अपीयर किया है। तो जनरल में 82,000 है, ओबीसी में भी लगभग उतना ही है, एससी में 37,000, एसटी में 12,000 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 17,000। तो टोटल ये होता है 2,30,820 ऐसे। उसके बाद अगर हम ये देखें कि अंडर डिफरेंट कैटेगरीज कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद, या फिर जो फाइनल सिलेक्शन है, पहले फाइनल सिलेक्शन को देखते हैं, तो उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 163। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बस जनरल के हैं, इसमें 16 ईडब्ल्यूएस भी है, 35 ओबीसी भी है, 1 एससी, 2 एसटी, तो ऐसे ऐसे आपको डिफरेंट कैटेगरीज में आपको नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 111 है, एससी में 61 है, एसटी में 33 है और ईडब्ल्यूएस में 42 है। तो टोटल ये जो नंबर होता है वो हो जाता है 421, और लगभग इतनी ही वैकेंसीज इससे थोड़ी सी ज़्यादा इस साल आई हैं। तो आप सिमिलर पैटर्न पे इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें कि एक बार चलो आरटी हो गया, आरटी मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके जस्ट बाद होता है इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि ये 187 इन्होंने रखा है अनरिजर्व्ड के लिए, जो कि मिनिमम था, कट ऑफ था। इंटरव्यू के लिए कट ऑफ था 50, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 45। लाइकवाइज आप अलग अलग कैटेगरीज में देख सकते हो कैसे यहाँ पे उन्होंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो ये नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 259.33, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ थी। फिर उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स भी दिए हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं तो उसमें हाईएस्ट ऑब्टेंड मार्क्स क्या थे। तो अनरिजर्व में ये था 296.85, और फिर फर्दर आप अलग अलग कैटेगरीज में देखोगे कि यहाँ पे ऐसे था। टोटल मार्क्स की बात करें तो रिटेन में 300 था टोटल, और इंटरव्यू जो है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का था, जिसमें कि 50 उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा होगा शायद कि 50 इसमें कट ऑफ है। तो इस बार का क्या होता है ये हम देखेंगे, कल इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने वाली है और फिर फॉर्म भी फिल होना कल से ही स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है सिलेबस पे कि क्या सेम रहने वाला है या फिर थोड़े से चेंजेज होंगे, तो अभी हम नहीं बता सकते। वो आप एक दिन बस वेट कर लो और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, फिर उसके बाद आप अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाना। फिर भी हम ये सेफली बोल सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना वो इस बार भी रहेंगे, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो अभी कंटिन्यू करो, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपने स्ट्रेटजी को चेंज करना, ठीक है। तो कल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे सिलेबस को लेके, अगर कोई चेंजेस हुए हैं बहुत बड़े तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।